कलकत्ता शहर में नेताजी सुभाष बोस आज भी जीवित है यहाँ के लोगों के मन में। और नेताजी सुभाष बोस आज चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी ने भी नेताजी के सब जितने फाइल है वो डिक्लासीफाई किए हैं, लाल किले में भी बहुत श्रद्धा व्यक्त किए हैं। खुद सुगत बोस तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री का, ये जो प्रधानमंत्री जो किए हैं। और बीजेपी सुगत बोस की मतलब परिवार के और एक भाई को अभी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी है चंद्र बोस। तो ये चंद्र बोस सुगत बोस तृणमूल में थे, अभी इस बार चुनाव नहीं लड़े, और कृष्णा बोस माँ भी बीजेपी के साथ उस समय वाजपेयी जी के ज़माने में तृणमूल में एमपी रही। अभी देखिए नेताजी भवन में ये देखिए जे एन बोस लिखा है, नेताजी सुभाष बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस के घर था ये, और नेताजी सुभाष बोस यहाँ बिताया। नेताजी सुभाष बोस को जो रात में यहाँ भी देखिए लिखा है महानिष्क्रमण, एक ऐतिहासिक रात शिशिर कुमार बोस गाड़ी चलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस मकान से महानिष्क्रमण की राह में गोमो तक ले गए थे। और सुगत बोस शिशिर बोस के बेटा है, और आज भी ये नेताजी भवन इसको एक तीर्थ स्थान मानते हैं बंगाली। प्रोफेसर सुगत बोसु भारत की, सिर्फ भारत क्यों कहे, पूरी दुनिया जानते हैं, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। यहाँ से नेताजी का महानिष्क्रमण हुआ था, मेरा पिताजी ने वॉन्डरर गाड़ी चला के यहाँ से गोमो स्टेशन तक ले गया था 1941 में, वो ही था आज़ाद हिंद फौज का शुरुआत। नेताजी का जो आदर्श है वो था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो ऐक्य, जो इत्तेहाद, जो इत्तेफाक, वो ही था नेताजी का आदर्श। सो दोज हु से दैट दे आर फॉलोइंग नेताजीज आइडियाज मस्ट बी कमिटेड टू द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज, ऑल द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ऑफ इंडिया। नेताजी का आज़ाद हिंद फौज में पंजाबी थे, पठान थे, तमिल भी थे, तेलुगु भाषी भी थे। दक्षिण पूर्व एशिया में जो आज़ाद हिंद आंदोलन हुआ और उसके बाद इम्फाल और कोहिमा में आज़ाद हिंद फौज आके आज़ादी का जंग लड़ा, ये आज याद रखना है। और अब जो ये चुनाव हो रहा है उसका मुद्दा क्या है, वॉट काइंड ऑफ इंडिया डू वी वॉन्ट? डू वी वॉन्ट एन इंडिया वेयर देर इज द अनट्रैमल्ड डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन एंड वन लैंग्वेज, और डू वी वॉन्ट अ फेडरल इंडिया विच इज बेस्ड ऑन द कल्चरल इंटीमेसी एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज। एक बार वो लोकसभा में एक डिबेट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का, जो 75th एनिवर्सरी उस दिन पे 9th अगस्त 2017 मोदी जी ने शुरू किया वो डिबेट, और उन्होंने बताया था कि 217 से 222 तक हम लोग ऐसा आगे बढ़ेंगे कि वो संकल्प से सिद्धि तक जाएंगे, जैसा 42 साल से 47 साल तक हम लोग चले थे। प्रश्न ये है कि हमारा संकल्प क्या है, हमारा संकल्प व्हाट शुड बी आवर रेजोल्यूशन, आवर रेजोल्यूशन शुड बी यूनिटी नॉट यूनिफॉर्मिटी। मैंने वो लोकसभा में भी बताया था कि डोंट कन्फ्यूज यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, डोंट कन्फ्यूज डेमोक्रेसी विथ मेजॉरिटेरियनिज्म। और ये बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ चल रहा है। हम लोग को अभी जो चाहिए वो है ऐक्य, वो है इत्तेहाद, वो है यूनिटी, जेन्युइन यूनिटी, एंड दैट कैन ओनली
come about through respect of the immense rich diversity of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के जो फाइल हैं वो बहुत डिसक्लासिफाई किए हैं, इनको तो आप स्वागत करते हैं, ये जो मूव है? हाँ जरूर, मैं वो स्वागत करता हूँ. और ये भी ठीक है, उन्होंने जब लाल किले में नेताजी को श्रद्धांजलि दिया और अंडमान जाके नेताजी 1943 के दिसंबर में अंडमान पहुंचा और सेलुलर जेल में गया था, वो भी जो किया उसके बारे में मैं तो उनको हम बताया था कि आई वेलकम दैट. हमको साथ जब मुलाकात हुआ पार्लियामेंट में तब मैंने बताया था. लेकिन if you really respect Netaji, if you really want to follow his ideals, then you have to treat Hindus, Muslims, Sikhs, Christians equally. You have to respect the equal rights of all citizens of India. And I think the ideology of Hindutva is diametrically opposed to the ideals and ideology of Netaji Subhash Chandra Bose. So I think one has to, if one genuinely respects Netaji, then one has to, you know, change the tenor of politics in this country. आपके परिवार की सदस्य चंद्र बोस अभी कैंडिडेट है, आप वोटर है साउथ कलकत्ता में, तो आपके परिवार के सदस्यों को आप वोट करेंगे या आप तृणमूल के सांसद रहे और तृणमूल के पार्टी के लिए आपका अभी अभी भी आप तृणमूल जो आइडेंटिटी है हम जानते हैं, आपके सबसे बड़ा आइडेंटिटी एकेडमिशियन का है, लेकिन आप काफ़ी दिन तृणमूल के साथ, मतलब एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू हैव परफॉर्म एज तृणमूल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आज भी आपका जो आइडेंटिटी है तृणमूल आइडेंटिटी और परिवार के जो सदस्य हैं, आपको क्या इसमें क्या आपका स्टैंड क्या है? नेताजी ने कहा था कि उनका फैमिली परिवार एवं कंट्री देश एक है, तो हमको लिए भी हमारा परिवार और देश एक है. देश का हित में जो करना है वही हम करेंगे. ये 19 में जब मैं वोट डालने के लिए जाएंगे, यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी में नेताजी सुभाष बोस ने घर से महानिष्क्रमण जिसको कहते हैं घर से चले गए थे, सबको धोखा देके और किसी को पता ही नहीं था कहाँ गए नेताजी, और ये गाड़ी चलाए थे शिशिर कुमार बसु. 1941 16 तारीख था जनवरी महीने का और मिडनाइट रात में गए थे, और ये एल्गिन रोड का साउथ कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी का एल्गिन रोड का इसी मतलब घर से गोमो तक गए थे, और शिशिर बसु जब गाड़ी चला के ले गए थे, शिशिर बसु के बेटा सुगतो बसु, हम सुगतो बसु से अभी बातचीत किए हैं, और ये साउथ कलकत्ता है जहाँ बीजेपी ने नेताजी परिवार की इनकी और एक भाई चंद्र बोस जिनको प्रत्याशी किए हैं. तो ये देखिए सुगतो बोस तृणमूल कांग्रेस के एमपी थे, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और वहाँ बीजेपी ने जो कैंडिडेट किए हैं वो नेताजी परिवार की सदस्यों को. नेताजी सुभाष बोस कलकत्ता में बंगाली जो मनन है, माइंड है, मन है, उसमें बंगाली के दिल में नेताजी सुभाष बोस अभी भी जीवित है, और नेताजी सुभाष बोस इसीलिए इस चुनाव में कलकत्ता का चुनाव में बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया.